पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय शेयरों ने कसा शिकंजा। जडेजा इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को रुला कर रख दिया। 177 रनों पर ढेर हुए कंगारू जडेजा का तूफान झेल नहीं पाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है और आज भारतीय टीम ने नागपुर में कमाल कर दिया। मेहमान टीम की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो चारों खाने चित हो गए। चोट से उबरने के बाद रविंद्र जडेजा तो कंगारू पर ऐसा बरसे मानो सोच कर आए थे कि उनकी चोट की वजह ऑस्ट्रेलिया टीम ही है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उसकी ये भूल आज कितनी महंगी साबित हुई उसे शायद अब पता लग रहा होगा। और खासकर तो आज उनके जहन से जडेजा का भूत तो उतरने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जडेजा ने आज कमाल किया वो काबिले तारीफ है, और वो भी चोट से उबरने के बाद अपने पहले ही मैच में। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 177 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया, ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई, और वो भी किसके सामने, सर जडेजा के सामने। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा ने 47 रन देकर 5 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजों की ऐसी क्लास लगाई कि आज वो चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। अपनी गुगली में कंगारू को ऐसा फंसाया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके स्टंप कब बिखर गए, कब उनकी गिल्लियां हवा में उड़ गई। भारत के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। शुरुआत में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। टीम इंडिया ने पहला विकेट मात्र 2 रन पर गिरा दिया। उस्मान ख्वाजा को मोहम्मद शमी ने बोल्ड मार दिया। बस फिर मोहम्मद सिराज भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 2 रन के स्कोर पर ही डेविड वार्नर को चलता कर दिया, और मात्र 2 रन के स्कोर पर ही उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर पवेलियन जा बैठे। हालांकि लाबुशाने और स्टी स्मिथ ने तीसरे विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप की। लगा कि ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन बस फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया और लाबुशाने को 123 गेंदों में 49 रन बनाकर चलता कर दिया। तो वहीं स्टी स्मिथ ने 107 गेंदों में 37 रन बनाए। बस फिर क्या था, इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया, और भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घुटने टेक दिए, वो भी मात्र 177 रन पर। पूरी टीम 177 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें जडेजा ने 22 ओवर में 47 रन देकर 5 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने 9 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वहीं रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने 16 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके, और इस तरह पूरी टीम 177 रनों पर ढेर हो गई। हालांकि अब देखना होगा भारतीय टीम किस तरह का खेल दिखाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी चाहेगी कि भारतीय टीम को जल्दी ही आउट किया जाए। अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान में टिके तो ऑस्ट्रेलिया की हार तय है। आपको बता दें कि 19 साल से अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई, और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि उसका यह सपना चूर चूर होता नजर आ रहा है। तो आप भी भारत की शानदार गेंदबाजी पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।